चंदा मुजफ्फरनगर के आज कई ब्लॉकों में किसान कल्याण मिशन योजना के अंतर्गत किसान मेले, किसान सम्मान पर्व और किसान प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया, जहां आसपास के क्षेत्रों में किसानों को जिला प्रशासन द्वारा सम्मान पत्र बांटे गए। जिला प्रशासन के सभी विभागों की प्रदर्शनी किसानों को जागरूक करने, उनको योजनाओं से परिचय कराने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं पर स्टॉल पर किसानों को बारीकी से उनके फायदे और उनकी खेती करने के तरीके बताए गए। प्रमुख साहब, क्या कार्यक्रम है ये? आज एक किसान मेले का आयोजन किया गया है ब्लॉक स्तर पर, और किसान सम्मान के विषय में ये जो है कार्यक्रम रखा गया है, मेला करा गया है। जो किसानी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनके सम्मान के में ये मेला रखा गया। क्योंकि आज माहौल बरसात का माहौल रहा, दो तीन दिन से समय पहले से निर्धारित था, अचानक बरसात आ गई तो जगह जगह जल भराव है। अभी किसान आने शुरू हो रहे हैं और किसानों के सम्मान में ही ये कार्यक्रम है। किसान आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, थोड़ा बरसात की वजह से डिस्टर्ब हो गया मामला। जी आपका नाम? मेरा नाम रेनू सिंह है, मैं जिला, मैं प्रोबेशन विभाग से हूँ। यहाँ पे हमने स्टॉल लगाया है महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर बताने के लिए, और जो भी प्रोबेशन विभाग में योजनाएँ चल रही हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए, जैसे कन्या सुमंगला, विधवा पेंशन योजना और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। हेल्पलाइन नंबर है जो इस तरह की पैम्पलेट बनवाई गई है जिसमें उनको जानकारी दी जाती है कि वो अगर किसी परेशानी में है या किसी के साथ घरेलू हिंसा होती है, बच्चा कहीं घर से दूर चला जाता है, कहीं खो गया है, तो वो किस नंबर पे कॉल करेगा, वो महिला किस नंबर पे कॉल करेगी, ये सब इसमें दिया गया है। किस तरह कार्यक्रम है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान कल्याण एवं किसान सम्मान के रूप में ये कार्यक्रम किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी देना, और किसानों को जानकारी देना के साथ साथ जो हम विभिन्न प्रकार के लाभ देते हैं, जैसे इसका एक समेकित है, ये केवल किसानों से संबंधित नहीं। जैसे हमें प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं, या स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को सीआई सब दे रहे हैं, या फिर और विभिन्न प्रकार की योजनाएँ दे रहे हैं, उनके प्रमाण पत्र भी इनको देना है, ताकि उनको ये पता चले। क्योंकि ये भी जो महिलाएं हैं ये भी हमारे गांव से ही संबंधित है, ये भी एक तरह से किसान खेती बाड़ी से जुड़ी है। किसान पुरुष की जगह यहाँ केवल महिला ही इकट्ठी है, तो क्या किसान जो आपने कार्यक्रम कर रहे हैं वो किसान कहाँ नजर आ रहा है? नहीं, ऐसा है ना अग्रवाल जी, सुबह से 10 बजे से प्रोग्राम था, बरसात होने के नाते किसान आ रहे हैं, जा रहे हैं, और कुछ बैठ रहे हैं, ये महिलाएं हैं, ये बैठी हैं, ये भी अब चली जाएंगी, ये भी उनकी जगह वो भी आ गए। ये कार्यक्रम 5 बजे तक चलता रहा, अब तक कम से कम 300-400 किसान आ जा करके चले आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये सुबह से ही ये प्रोग्राम लगभग चला रहा है। बरसात की वजह से थोड़ा सा व्यवधान जरूर उत्पन्न हुआ है, और ये कार्यक्रम अभी हमारा 4 बजे तक चलता रहेगा, जो भी किसान अभी आ रहे हैं, और ये चलता रहेगा। ये एक दिन का कार्यक्रम या आगे भी चलेगा? ये आज का कार्यक्रम है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना।